हरे कृष्णा। तो आज के उत्सव में आप लोगों का स्वागत है। तो आज श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके जो गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, है ना, उनका आज तिरोभाव उत्सव है ना। जैसे सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है ना, उसी तरह से जो महान भक्त होते हैं, महान आचार्य होते हैं, वो उदित होते हैं और अस्त होते हैं। ऐसे सूर्य का एक जगह अगर अस्त होता है तो इसका मतलब दूसरी जगह वो उदय होगा, और अगर एक जगह वो उदय हो रहा है इसका मतलब पहले से वो था। तो जैसे भगवान अर्जुन को बोलते हैं आदि पुराण में कि जो मेरा भक्त है उससे भी प्रिय मुझे कौन है जो मेरे भक्तों का भक्त है, है ना, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मुझसे वो जाना प्रिय है बजाय उसके जो प्रत्यक्ष रूप से मेरी भक्ति करना चाहता है, है ना। तो जो वैष्णव हैं या भक्त हैं, है ना, वो भगवान की कृपा, भगवान का संदेश, है ना, भगवान की वाणी यहाँ लेके आते हैं और अपने आचरण के द्वारा हमें बताते हैं कि कैसे हमें शास्त्रों को पालन करना है। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, कि भक्तों की रक्षा करने और जो दुष्कृति है उनको मारने के लिए मैं आता हूँ। तो कैसे, जो जैसे हम देखते हैं कोई भी फील्ड होती है, कोई भी क्षेत्र होता है, उसका जो ज्ञान होता है उसको समझने के लिए उस ज्ञान को जो पालन कर रहे हैं उनकी आवश्यकता होती है ना, जिसको बोलते हैं रोल मॉडल, है ना। तो समाज में ऐसे कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो कोई बिजनेसमैन होगा तो उसकी बुक पढ़ेंगे, उसने कैसे हासिल किया, कैसे उसने स्ट्रगल किया, फिर कैसे उसने इन्वेस्ट किया। तो सब ये लोग कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको देखकर वो अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। तो हर क्षेत्र में ऐसा है। तो उसी तरह से जो भक्ति है, भगवान की भक्ति में सेवा है, उसको सीखने के लिए केवल शास्त्रों को पढ़ने से पूरी बात नहीं होती। जो भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, महान वैष्णव होते हैं, उनके आचरण से, है ना, और उनकी शिक्षाओं के द्वारा हम वास्तव में भगवान को समझ सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद बताए, केवल ये जानना अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि भगवान महान है, भगवान कैसे महान है ये जानना आवश्यक है। उसी तरह से भगवान के भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो महान हैं, लेकिन वो कैसे महान है वो हमें कैसे पता चलेगा, उनकी शिक्षाओं से, उनकी शिक्षाओं से और उनके आचरण से, है ना, आचार और प्रचार, उनका आचरण कैसा है और उनका प्रचार कैसा है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो शायद नए होंगे, तो इवन श्रील प्रभुपाद उनके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है, है ना। तो श्रील प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके बारे में तो पता ही नहीं होगा, है ना। तो समस्या क्या है कि ऐसे सोसाइटी कैसी है, समाज कैसा है, चीटर्स एंड चीटेड, है ना, लोग धोखा खाना चाहते हैं, उनको धोखा देने वाले बैठे हुए, है ना। तो समाज में ऐसे ही लोगों का गुणगान होगा, ऐसे ही लोगों की वाहवाही होगी, ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा होगी जो एक भौतिक धरातल पर रहते हुए या तो स्वयं के लिए या समाज के लिए या देश के लिए इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। हम देखते हैं बंगाल में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनके बारे में हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में किसी ने सब्जेक्ट लिया है आर्ट्स तो वहाँ पढ़ाया जाता है। जैसे जो राष्ट्रगान है किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सब जानते हैं, है ना, और नोबेल प्राइज़ भी मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। राष्ट्रगान किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो भी जानते हैं। तो बंगाल में ऐसे बहुत सारे
जो भौतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो आगे बढ़े चढ़े रहे हैं उनको सब जानते हैं आजकल, है ना। और भी जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस बंगाल से, है ना, और ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु, कथाकथित धर्मगुरु हुए हैं, वो भी बंगाल से हुए हैं, है ना। ऐसा एक कहावत है कि आज भारत में आज जो बंगाल सोचता है उसको बाकी का भारत कल सोचेगा। तो बंगाल क्या है, थोड़ा सबसे मतलब जो सोच है उसमें आगे है। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे विचारक, बहुत सारे फिलोसोफर, बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक निकले हैं जो हमारे हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाए जाते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी श्रील प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि लोग वास्तव में वो खुद हैं क्या और उनका हित किस में वो नहीं जानते, है ना। पराभावस्तावत अबोध जाता यावन न जिज्ञासा आत्मतत्व, है ना, कि परम सत्य के बारे में जिज्ञासा नहीं किया, या मैं कौन हूँ और दुख क्यों आ रहे हैं, पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में जिज्ञासा नहीं किया तो पूरा जीवन क्या है, विफल है। पूरा जीवन क्या है, एक डिफीट, हार है, है ना। तो दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है हिस्ट्रीज में वो सब ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसका अपने आप में कोई सार्थकता नहीं है। पढ़ने वाले भी जानते हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, है ना, लेकिन वास्तव में क्या जीवन का लक्ष्य है, है ना, किसका गुणगान किया जाना चाहिए, किनका गुणगान नहीं किया जाना चाहिए, वो नहीं पता है। केवल एक रैट रेस, है ना, एक भेड़ चाल, उसमें सब चले जा रहे हैं, है ना। तो जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं उनकी कुछ शिक्षाओं के बारे में, क्योंकि शिक्षा से हम जान सकते हैं, ऐसे तो हम रविंद्र भवन जाएंगे या और कोई से भवन जाएंगे, वहाँ भी किसी पर्सनैलिटी के बारे में गुणगान चल रहा होगा, उन्होंने इतने सन में ये किया, इन्होंने ये किया, भारत के लिए करके गए, इनको पद्म भूषण मिला, इनको ये मेडल मिला, सुनेंगे, आएंगे घर, जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी और थोड़ा सा पता चल जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे हुए थे, और ठीक है, बात ख़त्म, जो अपने जीवन में जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। तो यहाँ कोई जनरल नॉलेज का विषय नहीं है कि कोई एक 80 साल या 100 साल पहले कोई हुए थे, आज उनके बारे में हम कुछ स्मृति, उनकी कुछ मेमोरीज, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, सूर्य की तरह होते हैं। भगवान स्वयं, भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं वेति तत्त्वतः। तो भगवान का जन्म कर्म वो दिव्य है, भगवान भी प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी प्रकट अप्रकट होते हैं। किसी के मन में आ सकता है कि हम कृष्ण की चर्चा करें, कृष्ण की लीलाओं के बारे में भगवद्गीता की चर्चा करें, कोई एक व्यक्ति, कोई एक गुरु, उनके बारे में चर्चा करना, वो क्या सार्थकता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं, और भक्तों ने अपने जो जीवन में किया है, आचरण किया है, वो भगवद्गीता की शिक्षाओं को उन्होंने जीवंत किया है, है ना। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, है ना, उनका प्राकट्य या उनका उदय इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी के इस दिन में 1874 में हुआ, है ना, और उनका जो तिरोभाव हुआ वो 1937, है ना, ये तो सन हुआ केवल 1874 1937, है ना। उसके पहले भी भगवान की सेवा में है, उसके बाद में भगवान की सेवा में, और बीच में आए हैं जो केवल हमारी इस भौतिक आँखों को के सामने दृष्टिगोचर हुए और उसके पश्चात वहाँ से ओझल हो गए, है ना। तो क्या उनकी शिक्षाएँ हैं, तो उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ना होगा। प्रभुपाद क्या बोले, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना, कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाएं हैं उन्हीं शिक्षाओं को मैंने उसको थोड़ा सा आजकल के लोग उसको समझ सके उस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया। और श्रील प्रभुपाद हों या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हों या उससे पहले जो आचार्य हुए हों या भगवान स्वयं कृष्ण,
उनकी शिक्षाओं में कोई भी अंतर नहीं है, सभी की शिक्षा एक समान। लेकिन भक्तों का विशेष योगदान क्या होता है कि आज भगवद गीता की शिक्षाओं को कैसे हम अपने जीवन में लगा सकते हैं, आज भगवद गीता के अनुसार कैसे हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कुछ शिक्षाओं के बारे में और उनके योगदान के बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी भी भक्त का महानता उसकी उपलब्धियों से नहीं गिनना चाहिए, है ना। हमारा एक भौतिक दृष्टिकोण होता है कि कोई गुरु हैं या कोई भक्त बड़े चढ़े हैं कब, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, है ना, और बोलने में बहुत पटु हैं, है ना, और उनका बहुत प्रभाव है, वो बहुत प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं, टीवी पे प्रवचन आते हैं, उनका समाचार में भी आता है, सब जगह आता है। तो भौतिक उपलब्धियों से हम वैष्णवों को नहीं जान सकते, है ना। अगर हम भौतिक उपलब्धियाँ देखेंगे कि इतने फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स से हम समझ नहीं पाएंगे कि सही कौन है गलत कौन है, किसने कितने मंदिर बनवाए हैं उससे हम समझ नहीं पाएंगे क्या है, कौन कितना इन्फ्लुएंशियल है, है ना। उनकी शिक्षाओं को समझकर, है ना, इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोले, मुझे अपने शिष्यों का केवल एक चीज़ चाहिए, क्या है, कान, है ना। केवल गुरु को कान चाहिए शिष्य का, और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो कान दे दिए तो बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, है ना। तो केवल हम बाहरी आवरण से, हमारी समस्या क्या है कि जब हम भौतिक जगत की क्रियाकलाप में होते हैं तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को महान कैसे समझते हैं कि इसकी इतनी सारी कंपनियाँ हैं, ये इतना फेमस है, है ना, इसका टर्नओवर इतना है, इसकी इतनी सैलरी है, तो उससे हम स्टेटस देखते हैं कि ये हायर क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। तो जब भक्ति में भी आते हैं तो भक्ति में भी क्या होता है, तो हम किसी भक्त को कैसे आंकते हैं, है ना, कि ये कोई मंदिर के प्रेसिडेंट है या मंदिर के मैनेजर हैं या इनके इतने फॉलोअर्स हैं, ये बोलने पटु हैं, तो इससे हम भक्तों को नहीं समझ सकते। इसके द्वारा हम किसी भी वैष्णव को नहीं समझ सकते, केवल उनके एक बाहरी जो आकर्षण है, बाहरी चीज़ है, उसके द्वारा ही हम किसी भक्त को नहीं समझ पाएंगे। तो उसकी समझने के लिए क्या आवश्यक है, उनकी शिक्षाओं को समझना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक शिक्षा, कई शिक्षाओं में से एक शिक्षा ये है कि भक्ति कोई मजाक का विषय नहीं है, या भक्ति की हॉबी नहीं है, या भक्ति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, या भक्ति कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, या भक्ति कोई माइंड को पीसफुल करने का तरीका नहीं है, है ना। भक्ति एक बहुत ही गंभीर विषय है, है ना, क्योंकि पूरा जीवन नहीं, जो करोड़ों लाखों जन्मों से जो हम जीवन जी रहे हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, उससे कैसे निकला जाए। तो आजकल थोड़ा इस तरह से एक विचार है कि थोड़ा रिलैक्स, यस रिलैक्स तो अच्छा है, थोड़ा सा जोक्स, थोड़े से मजाक, थोड़ा सा कुछ इस तरह से, जैसे गुरु या शिष्य, है ना, या एक उपदेशक या सुनने वाले, उसका जो एक शास्त्रों में एक वर्णन है वो अभी शिफ्ट हो गया है। वो कैसा हो गया है कि हम आपको एक हम लाइफ कोच हैं, है ना, आपको एक हम आपको एडवाइस देते हैं, फिर एडवाइस आप उसको ग्रहण करना चाहे नहीं करना चाहे वो आपके ऊपर है। और मतलब जो आध्यात्मिकता जो इतना गंभीर विषय है उसको कैसा बना, कैसा धीरे धीरे बन रहा है अभी, वो एक मजाक का विषय बन गया है ना। और हमें भी कि कोई लेक्चर में कितने जोक्स आए, कितने हंसे, तो ये कोई भक्त अगर इसमें बोलने में बहुत अच्छा है, बहुत पटु है, तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा लेक्चर है, प्रभु जी ने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, और प्रभु जी के इतने सारे व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, प्रभु जी के इतने सारे लाइक्स हैं, तो ये प्रभु जी एकदम पक्के हैं, ऑथराइज हैं। लेकिन हम शिक्षा नहीं समझ, हम अभी भी क्या है, वो बाहरी चीज़ को देख रहे हैं, लाइक्स को देख रहे हैं, व्यूज़ को देख रहे हैं, चुटकुले को देख रहे हैं। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद की भी लेक्चर हम सुनेंगे और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे समझेंगे, तो बता रहे हैं कि भक्ति बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत सीरियस विषय है ना। ऐसा नहीं कि भक्त
हमेशा सीरियस ही दिखते हैं, अगर वो कुछ कुछ उपहास भी है तो उपहास भी क्या होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ तरह का उपदेश होता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों के साथ उपहास करते थे, लेकिन उस उपहास में भी क्या होता था, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होता था, कुछ उपदेश होता था, है ना। तो कोई भक्ति कोई इंटरटेनमेंट या रिलैक्स या जस्ट एक एडवाइस ले लिया, लाइफ कोचिंग या इस तरह से विषय नहीं है ना, ये गंभीर विषय। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के खुद के आचरण से और उन्होंने जो जिन लोगों को भक्ति में लेके आए, वो सब पूरा ऐसा जो माहौल था उस समय का कि यस हमें गहराई से समझना है, शास्त्रों को पढ़ना है, सेवा करना है, घर में भी जो गृहस्थ भक्त हैं घर में जाके किस तरह से पूरा घर के माहौल को कृष्ण भावनामृत बना सके, ये पूरा माहौल था, है ना। ये कोई मतलब पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं, हॉबी नहीं है, है ना। और हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई जो मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं केवल वही इस तरह से 24 घंटे कर सकते, गृहस्थ भक्त भी कर सकते हैं। अभी केस टू केस अलग होगा, उसके लिए व्यक्तिगत सलाह की आवश्यकता होगी, लेकिन घर का माहौल भी इस तरह से बनाया जा सकता है जिससे हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, सब गलत कर रहे हो, है ना। बोलते थे मैं तो बायस्ड हूँ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले मैं बायस्ड हूँ, मुझे पता है जो भी भौतिकतावादी व्यक्ति है जो भी बोलेगा, जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, सब उल्टा करेगा। अब भगवान भगवद्गीता में स्वयं बताते हैं ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, कि जो आध्यात्मिक जगत है उसका उल्टा प्रतिबिंब क्या है, ये भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में जो भी क्रियाएं होती हैं उसका सबका उल्टा क्या होता है, यहाँ पर होता है, है ना। हम खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जॉब जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसमें सेंटर पॉइंट क्या है, है ना, स्वार्थ, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस या सेल्फिशनेस, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो जो भी हम करेंगे उल्टा करेंगे, इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो शिक्षाएं हैं जब लोग उस समय सुनते थे या पढ़ते थे तो उनकी जो चेतना है वो पूरा घूम जाती थी, बोले ऐसे ऐसे कैसे हो सकता, ये तो संभव ही नहीं है, है ना। जैसे एक उदाहरण, कोई बोलता है हम भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति कर रहे हैं, तो वो बोलते थे आपको भक्ति में लगाया जा रहा है, अगर आपको भक्ति में लगाया नहीं गया तो आप तो तुरंत माया के पास चले जाएंगे, इसीलिए जो गुरु हैं या भक्त हैं वो आपको भक्ति में लगा रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। हम खुद की इच्छा से, हमारी इच्छा थोड़ी है, लेकिन जो भगवान है या भक्तों की कृपा है वो बहुत ज़्यादा है, है ना। तो उनकी जो भाषा शैली थी और उनके शब्दों का जो चुनाव था वो बहुत 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 एकदम पर्टिकुलर था, है ना, कि कौन सा भाषा, क्या लैंग्वेज, कौन सा शब्द क्या उपयोग करना है, है ना। उसमें बहुत वो मतलब बहुत दक्ष थे, है ना। ऐसे जैसे हम देखते हैं ना कि जो कृष्णा बुक है उसमें लिखा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो कहाँ से आया, वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से आया, कि गॉड नहीं बोला, भगवान नहीं बोला, क्या बोला है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। गॉड मतलब नियंता, कंट्रोलर। तो नियंता बहुत सारे हैं, नियंता बहुत सारे हो सकते, बहुत सारे देवी देवता हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, मिनिस्टर भी हो सकते हैं, बहुत सारे नियंता। गॉड मतलब नियंता, कंट्रोलर। तो भगवान क्या है, गॉड हेड। वो सारे जो नियंता है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नियंता है वो गॉड हेड। अभी जो गॉड हेड है जो सबसे जो नियंता में सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो एक व्यक्ति है, इसलिए पर्सनैलिटी, वो व्यक्ति है। और वो पर्सनैलिटी बहुत सारी नहीं है, वो सुप्रीम। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो बहुत सारे नियंता हैं
उन नियंता में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं उसमें जो परम व्यक्ति हैं वो हैं कृष्ण, है ना। कई लोग जैसे बोलते हैं ना, हम भी भक्त हैं, हम भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम भी जाते हैं वृंदावन जाते हैं, हम भी धाम जाते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण, हम कृष्ण कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम वो कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं जिनको टीवी सीरियल में बताया जाता है, हम वो कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं जिसको लिटिल कृष्णा में दिखाया जाता है, हम वो कृष्ण की बात नहीं कर रहे जिसको नॉवेल में लोगों ने लिखा है, या हम वो कृष्ण की बात नहीं कर रहे जो ऐसी कथाएं चलती हैं जिसमें भगवान की रासलीला के बारे में चर्चा की जाती है, हम वो कृष्ण की बात कर रहे हैं जिसको श्रीमद् भागवतम में कृष्णस्तु भगवान स्वयं बताया गया, वो हम उन कृष्ण की बात करते हैं। तो सब बोलते हैं हाँ हम कृष्ण के भक्त हैं, हमारे कन्हैया हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन वो कृष्ण है कौन। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो भी शब्द थे उसको, उसका सही परिभाषा क्या है उसको परिभाषित करते थे। सब बोलते हैं हम भक्ति करते हैं, है ना। ऐसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप लोग ऑफिस से अपने जॉब पर जाएंगे तो वहाँ सब बोलते हैं भगत जी आ गए, है ना, भक्त आ गए, भगत जी आ गए, बहुत बड़े भगत बन रहे हैं, या बोलते हैं हम भी तो भगत हैं, हम भी तो भक्त हैं। तो उनको पता ही नहीं भक्त का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, कृष्ण का अर्थ क्या है। सब चीज़ों को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, सबको पहले परिभाषित करना पड़ेगा, तब समझेंगे हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन नहीं तो सब क्या है, सब अपने ही उसमें रहेंगे कि हाँ कृष्ण उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो हर चीज़ को भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत डिफाइन करते थे, इसीलिए उनके क्या लेक्चर क्या होते थे, बहुत लंबे होते थे, 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे के लेक्चर। सोचिए आज के समय में कोई सुन नहीं पाएगा बोल भी तो 3-3.5 घंटे के लेक्चर, है ना। तो कोई उनसे पब्लिक में पूछता था कि आपके लेक्चर इतने लंबे क्यों होते हैं, है ना। तो बोलते कि मेरी जो भाषा है उस पर दक्षता बहुत कम है, तो मुझे समझाने में बहुत समय चला जाता है, लोग क्या समझ नहीं पाते हैं इसलिए उनको समझाने में बहुत समय जाता है ना, इसलिए मुझे जो अपने लेक्चर हैं लंबे लेना पड़ता है। तो कृष्ण, फिर जयंती, जैसे जयंती शब्द आता है ना, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, बहुत सारी जयंती, लेकिन जयंती शब्द जो है वो शास्त्रों में बताया गया है कि जो भाद्र पक्ष, भाद्र में कृष्ण पक्ष होता है, उसमें जो अष्टमी होती है, उस समय जो नक्षत्रों की स्थिति होती है, उस नक्षत्रों की विशेष स्थिति को जयंती बोलते हैं, और किसी घटना को और किसी कालक्रम को जयंती नहीं कह सकते। तो अगर किसी कोई दूसरी, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जयंती शब्द का उपयोग किया जा रहा है तो वो सही नहीं है, है ना। तो अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब वो लोग सुनते थे तो उनका क्या है, सिर पूरा घूम जाता था कि ये ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा तो हमने कभी पता ही नहीं है हमको, है ना। तो ऐसे कुछ शब्द उसको हम देखेंगे और कुछ उनके जो वाक्य हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो वो एक दो शब्दों को बहुत उपयोग करते थे, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक और ओपेक मतलब धुंधला, जैसे कांच है तो कांच पूरा साफ है तो लाइट क्या है, पार हो जाएगी, और ओपेक है तो कैसा होगा, लाइट वहाँ पर रुक जाएगी। तो वो बताते थे कि जो गुरु हैं या भक्त हैं उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब जो उनको गुरु से मिला है उसको जैसे का तैसा आगे ट्रांसफ़र करना, उसमें कुछ मिक्स करना, उसको कुछ डाइल्यूट करना, उसमें कुछ चेंज करना, वो सब नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, सकालेन महता योगो नष्टा परंतपा, कि समय के साथ परंपरा नष्ट हो जाती है। तो समय के साथ परंपरा कैसे नष्ट होती है, लोग शिक्षाओं में परिवर्तन ला देते हैं। आज हम देखते हैं कि भगवद गीता के मार्केट में बहुत सारे एडिशन, बहुत सारे संस्करण है ना, लेकिन कुछ ही गीता हैं जो प्रमाणिक हैं, है ना।
बाकी संस्करण हम पढ़ेंगे तो जो भगवान जिस स्पिरिट में अर्जुन को समझा रहे हैं उस अर्थ को पूरा हटा दिया और अपना ही अर्थ लेके आया। तो इसीलिए जो वैष्णव है, ये जो गुरु हैं, वो क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, पारदर्शक। जो उनको गुरु, प्रमाणिक गुरु से मिला है वो उसको ट्रांसफ़र करें। अगर हम उसको कुछ चेंज करके, उसमें कुछ मिक्स करके कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम अपने गुरु से ज़्यादा बुद्धिमान है ना। तो इसीलिए जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है वैसे की वैसी शिक्षा आगे ट्रांसफ़र करना। तो ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक। फिर एक शब्द उपयोग करते थे, ऑर्डर सप्लायर। ऑर्डर सप्लायर मतलब जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको कुछ हमने कुछ पैसे दिए तो उसने कुछ सप्लाई किया, कुछ माल भिजवाया। तो भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, मतलब भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने का माध्यम नहीं है। वो क्या बोलते थे कि भगवान हमारे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, भगवान हमारे गार्डनर नहीं है, भगवान हमारे अकाउंटेंट नहीं है, भगवान हमारे सेवक नहीं है। लोग होता है ना कि सिंपल उदाहरण, किसी का कुछ चोरी हो गया, कोई भक्त था या कुछ, तो भगवान ने बचाया नहीं, तो भगवान हमारे सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी हैं जो खड़े रहे हमारे घर के सामने कि हाँ चोरी ना हो, या हमारा कुछ लॉस हो गया तो लॉस कैसे हो गया, हम तो भक्त थे, हम तो मंदिर जाते थे, तो भगवान हमारे अकाउंटेंट थोड़ी हैं कि सारा अकाउंट देखेंगे और सब लेके आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा कई बार होता है ना कि कोई भक्ति में आता है और कुछ समस्या आना चालू होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो हमारे ऊपर समस्या क्यों आ रही है, हम क्यों बीमार पड़ गए हैं, ऐसी बहुत सारी तो कंप्लेन करते हैं, है ना। तो भगवान के संदेश से हमारा भवरोग चला जाएगा। तो भगवान कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है कि भगवान कुछ औषधि, जो भी शास्त्र में दिया है और हमारे कर्म फल है ना। तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करने का साधन नहीं है, हमें भगवान की इच्छाओं को समझकर, शास्त्रों को समझकर उनकी इच्छा के अनुसार चलना है ना। फिर बोलते थे कॉमर्शियल इंटरेस्ट। एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट होता है, तो बोलते थे गुरु के पास कॉमर्शियल इंटरेस्ट से नहीं जाना चाहिए, है ना। कि गुरु के पास गए हैं और किस लिए गए हैं, जिज्ञासा करने का। किस चीज़ की जिज्ञासा करने गए हैं, कुछ कॉमर्शियल इंटरेस्ट, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ घर में क्लेश, कुछ विवाह, कुछ बच्चे, कुछ जॉब, इसके पास इस तरीके से गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं तो गुरु भी क्या है, उसी तरह से फिर आदान प्रदान करते हैं। कई लोग होते हैं ऐसा, गुरु बोलते हैं आशीर्वाद, उनको लगता है गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जो प्रमाणिक गुरु होंगे वो क्या है, हाँ ठीक है। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जो गुरु हैं, है ना, उनके पास एक कोई राजा है, उनके जो गुरु थे वो बहुत ही निरासक्त, है ना, और संसार के लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। तो एक राजा आया और राजा ने बोला कि आप मेरे महल में चलिए और वहाँ पर मैं आपकी सेवा करूँगा। तो जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गुरु थे उन्होंने बोला कि आपके यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे सेवक हैं, एक सेवक को और क्यों ले जाना चाहते हो, है ना। तो वो समझ नहीं पाया कि, तो उन्होंने बताया कि ये क्योंकि उनके जो गुरु थे वो प्रसिद्ध थे, तो जब उनको ले जाएंगे तो राजा की प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग आएंगे, कोष बढ़ेगा, तो मुझे अपनी सेवा में मत लगाओ, मैं ऑलरेडी भगवान की सेवा में हूँ। तो गुरु के पास कॉमर्शियल इंटरेस्ट से नहीं जाना चाहिए। फिर बोलते लिविंग सोर्स। कौन जिंदा, कौन है जीवित व्यक्ति, किसे बोलेंगे, कौन है जीवित, साधारण भाषा में कौन जीवित है, जो चेतन है, जिसके अंदर चेतना है। चेतना किसका लक्षण है, आत्मा का। तो चेतना है वो जीवित है, है ना। तो बोलते थे कि एक जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, है ना, और उसको केवल एक किताबी ज्ञान नहीं है, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी है और दूसरों को बता सकते हैं, वही केवल जीवित है,
बाकी सब क्या है, मृत प्राय हैं, मरे हुए हैं। क्योंकि वही कहानी बार बार दोहर रही, इस जीवन में भोग करने का थोड़ा तरीका अलग है, अगला जीवन होगा तो वहाँ पे भोग करने का तरीका अलग होगा, उससे पहले जो जीवन हुए वहाँ पे भोग करने का तरीका अलग था, उसमें कुछ आगे पीछे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, लिविंग डेड है, मृत प्राय की तरह है ना। फिर फिर उस समय एक नारा चला था, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड, है ना। जनता जनार्दन बोलते हैं ना कि जो लोगों की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है ना। तो वो बोलते हैं कि ये जो द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो ऐसा बोलते हैं उनसे सब सावधान रहें, है ना। कि बहुत बड़ी संख्या में किसी चीज़ को किया जा रहा है तो वो सही है गलत है वो संख्या से निर्धारित नहीं होता है ना, वो संख्या से निर्धारित नहीं होगा। एक उदाहरण है, थोड़ा सा ऐसा है उपहास वाला, कि एक बार शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उन्होंने पूछा शिला प्रभुपाद से कि हमारी संस्थाएं बहुत कम लोग हैं, बाकी जगह बहुत आते हैं, बहुत भीड़ लगी होती है, हमारे तो बहुत कम है, है ना। तो ऐसा क्यों है, हम बिल्कुल प्योर शिक्षा दे रहे हैं, सही टीचिंग बता रहे हैं, सही आचरण है, फिर भी कम लोग हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक जो पूरा सीजन होता है, पूरा एक वर्ष होता है, उसमें जो शेर का एक बच्चा होता है और जो सुअर होते हैं उसके 6-7 बच्चे होते हैं। तो शेर का बच्चा शेर है और सुअर के बच्चे सुअर हैं, तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं है कि वहाँ एक है या 6 है, या वहाँ 2 है वहाँ 12 है। तो उसी तरह से जो शुद्ध भक्ति का प्रचार किया जा रहा है या जो शुद्ध भक्ति को पालन कर रहे हैं, तो उसमें जो नंबर कैलकुलेशन वो मैटर नहीं करता है ना। फिर और वो बताते हैं, फिर दो शब्दों को बहुत उपयोग करते थे, और ये दो शब्द हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि हमारे मंदिर आने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, या आध्यात्मिकता जो हम पालन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। वो दो शब्द ऐसे हैं कि उससे हमारा पूरा एक विचारधारा बनेगा और उसके अनुसार हम सही तरह से चल पाएंगे। तो इंग्लिश में कई बार बोलते थे मॉर्फोलॉजी और ऑन्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑन्टोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वास्तव में क्या है, एक बायोलॉजी की ब्रांच है। मॉर्फो मतलब शेप आकार, और लॉजी मतलब उसका अध्ययन। तो जहाँ पर अलग अलग आकारों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और ऑन्टोलॉजी मतलब एसेंस सार। तो बताते थे कि जो बाहरी सब चीज़ें हैं, कि बड़े बड़े मंदिर हैं, है ना, और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस हैं, या बहुत संख्या है, या कोई सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ है, कोई सैफ्रॉन वस्त्र पहना हुआ है, ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजी। ये सब क्या है, बाहरी आवरण, है ना। कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, तो ये सब क्या है, बाहरी आवरण है। शिला प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए भारत में या अमेरिका में, लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन आकर्षित किससे करने के लिए, शिक्षाओं से, है ना। क्योंकि क्या होता है, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे वो तो पेड़ के नीचे रहते थे, तो आप बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले, मैं भी पेड़ के नीचे रह सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पेड़ के नीचे कोई सुनने नहीं आएंगे, कोई बताने नहीं आएगा, है ना। तो बड़े बड़े मंदिर बना के लोगों का ध्यान आकर्षित करना है शिक्षाओं की तरफ। तो ये जो भी है, फंड्स हैं, है ना, मंदिर हैं, विशाल मंदिर हैं, भव्य वैभव है, या कुछ एग्जीबिशन है, या प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब क्या है, ये मॉर्फोलॉजी। ये केवल
शुरुआती एक खिंचाव के लिए, लेकिन एसेंस क्या है, वो शिक्षा है ना। तो गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीज़ें, गुरु, साधु और शास्त्र की जो अनुसार शिक्षा है वो क्या है, सार है। मंदिर आने का सार क्या है, कई लोग बोलते हैं ना, हम ताजमहल भी गए, हम कुतुब मीनार भी गए, हम इस्कॉन मंदिर भी गए, हम अक्षरधाम भी गए, तो सब जगह देख के आ गए। हाँ, अब एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हम भी वृंदावन गए तो बहुत सारे मंदिर हो के आए, इस्कॉन मंदिर भी हो के, है ना। तो केवल मंदिर केवल केवल इसके लिए नहीं है, वो क्या है, शिक्षाओं शिक्षाओं तक लाने के लिए, है ना। तो मॉर्फोलॉजी को थोड़ा चेंज किया जा सकता है समय के अनुसार, लेकिन ऑन्टोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, सार को चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम देखें, एक बहुत महंगा पर्स है, बहुत महंगा पर्स है, और उसके अंदर पैसा है ही नहीं, तो उस पर्स का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसी तरह से भव्यता है, है ना, फॉलोअर्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन शिक्षाएँ क्या है, शिक्षा वहाँ से गायब है, या शिक्षाओं को क्या कर दिया है, इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, तो वो क्या है, वो बाहरी आवरण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो समय के, जैसे हम बोलते हैं ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि इतना हम स्टिक नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यस, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ता है, लेकिन किस चीज़ में चेंज करना पड़ता है, जो बाहरी आवरण है उसमें चेंज करना पड़ता है, जो शिक्षा है उसमें चेंज नहीं करना पड़ता है। जैसे उदाहरण, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के टाइम पे क्या था कि एक बहुप्रचलित बात था कि जो गोस्वामी परिवार में जन्म लिए हैं वो गोस्वामी हैं, या जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं वो ब्राह्मण हैं। अभी उनमें गोस्वामी के गुण हैं या ब्राह्मण के गुण हैं, उसको है तो अच्छा है, नहीं है तो भी गोस्वामी और ब्राह्मण ही समझा जाता था, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसका विरोध किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज वास्तव में जो गुण और कर्म से है उसी के अनुसार ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आज वो एक्सेप्टेड है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि जो प्रॉपर ब्राह्मण नहीं है, जो गुण और कर्म से ब्राह्मण नहीं है, वो अन्य लोगों का शोषण करते थे। तो वो शोषण की वजह से एक ग्रुप ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और एक ग्रुप क्या था, समाज को पूरा पकड़े हुआ था अपने शिकंजे में। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इनोसेंट लोग हैं वो उनकी गिरफ्त में है, और जो थोड़े बुद्धिमान लोग हैं ये सब देख के चले गए, तो उससे क्या हो रहा है, सही तरह से शिक्षाओं का प्रचार नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया, है ना। और आज ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो ज़्यादा अच्छा भक्त हो सकता है, ऐसा नहीं है, या कोई डिग्री लिया हुआ है, या कोई अच्छा बिजनेसमैन है, या अच्छा जॉब है, वो भक्ति करेगा तो उसको अच्छा माना जाएगा, या जिसके पास डिग्री नहीं है या फाइनेंशियली इतना ठीक नहीं है वो भक्त करेगा तो बोलेंगे हाँ ठीक है वो। तो अभी जो ब्राह्मणवाद था या जो जातिवाद था, कथाकथित जातिवाद था या गोस्वामी था, अभी किस में चेंज हो गया, मटेरियल स्टेटस में चेंज हो गया, या एजुकेशन में चेंज हो गया, कि जो एजुकेटेड ज़्यादा एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छा भक्त कहलाएगा, या जो फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा है वो भक्ति करेगा वो ज़्यादा अच्छा भक्त कहलाएगा। तो ये क्या हो गया है, अभी भी हम बाहरी चीज़ से भक्ति के स्तर को नाप रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसका बहुत विरोध किया, है ना। और उनके जीवन में भी देख सकते हैं कि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही कैसी थी, तीव्र थी, बहुत ही ऐसे, मतलब जो हृदय को पूरा भेद के चली जाती थी। लेकिन उनकी जो ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं, वज्रादपि कठोरानि कुसुमादपि कोमलम, कि वज्र की तरह कठोर होते हैं और गुलाब की तरह कोमल होते हैं। तो बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत कठोर हैं, लेकिन अंदर से क्या है, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत कोमल हैं। तो ये उनके खुद के जीवन में, उनकी खुद की पर्सनैलिटी में, उनके खुद के मठ में, गौड़ी मठ में
ये सब देखा जा सकता है। तो इसीलिए हमें बाहरी चीज़ें केवल इसलिए होती हैं जिससे लोग आए, लेकिन शिक्षाओं से आकर्षित होना है ना। तो हम जो भी लोग मंदिर आ रहे हैं, गंभीर होना चाहते हैं, तो उसको हम शास्त्रों को समझें, उसको पढ़ें सुने, तो हम लंबे समय तक कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो इसीलिए शिक्षाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उनकी कुछ और ऐसी चीज़ें जो दिमाग को पूरा उल्टा कर दे, हिला दे, है ना। बोलते थे कि कोई कनिष्ठ भक्त है, अगर मंदिर में जाकर घंटी बजाता है तो वो जाना कई गुना, अनगणित गुना जाना अच्छा है जो बहुत सारे हॉस्पिटल खुलवा के किसी की मदद कर रहे हैं। केवल मंदिर में जाके घंटी बजाना, वो जाना बेहतर है, कई गुना ज़्यादा बेहतर है जो हॉस्पिटल खोल के समाज सेवा करना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? समाज सेवा करते हैं, खाना बांटते हैं, ऐसा घंटी बजाने से क्या होगा? क्योंकि हम समाज सेवा करना अच्छा है एक शरीर के स्तर पर, लेकिन वो कंप्लीट सेवा नहीं है। तो समाज में हमेशा से कुछ ना कुछ भौतिक रूप से निर्धन लोग रहेंगे, क्योंकि कर्म फल है। कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है, उसका इस तरह से फल आया है। कुछ ना कुछ ऐसे बीमार लोग रहेंगे क्योंकि उनका कर्म फल है ना। तो अच्छा है कि उनको भगवत संदेश दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो शरीर ही ऐसा नहीं लेना पड़ेगा जिसमें निर्धनता या गरीब अमीर बीमार स्वस्थ उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मंदिर में घंटी बजाने से क्या होगा, आपकी जो प्रोसेस है, जो इस संसार से निकलने की प्रोसेस है, वो चालू हो जाएगी। लेकिन हॉस्पिटल में क्या होगा, उससे आपका पुण्य बनेगा, और पुण्य बनने से क्या होगा, आप ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे आएंगे, पुण्य करने से स्वर्ग में जाएंगे, पाप करने से नरक में जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक क्रियाओं करने से क्या होगा, हम पुण्य और पाप दोनों से निकलेंगे, है ना। तो इसीलिए जैसे वो होता है ना, झूला होता है, झूला, झूले में लोग झूलते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, आवागमन ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऐसे जो जीव है इस 14 लोकों में क्या है, ऊपर नीचे भ्रमण करता रहता है, और ज़्यादा समय तक झूले में झूलते हैं तो क्या होता है, चक्कर आते हैं, बेचैनी होती है, उल्टी आने लगती है। तो जो भौतिक जगत में ऐसे घूमता रहता है तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि वो परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, चिंताग्रस्त हो जाएगा, वो सोचेगा कैसे निकला जाए। लेकिन क्या होता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपके जीवन को सुखी कर देंगे, आप झूला झूलते रहो, आप अच्छा हो जाएगा, एक टैबलेट ले लो, उससे क्या होगा, चक्कर आना बंद हो जाएगा, है ना। वो सब टेम्प्रेरी इलाज। फिर बोलते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने नरसिंहदेव का अधिक गुणगान किया प्रहलाद महाराज से। हिरण्यकश्यपु ने अधिक गुणगान किया प्रहलाद महाराज से। तो अभी लग गया हिरण्यकश्यपु तो असुर था और प्रहलाद महाराज भक्त हैं, तो हिरण्यकश्यपु ने कैसे किया, तो बता समझाते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने इतना आतंक मचाया, है ना, इतने लोगों को मारा, पूरा ब्राह्मणों को मारने का प्रयास किया, घरों को जलाने का प्रयास किया, सारे अधर्म चालू कर दिए। तो भगवान आए और कैसे मार दिया, जैसे एक बच्चा छोटे से कीड़े को मार देता। तो इतना महान, भौतिक दृष्टि से इतना महान व्यक्ति जिसने पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को डरा दिया, उसको नरसिंहदेव ने कैसे किया, मसल दिया बस। तो उससे नरसिंहदेव कितने महान हैं उससे पता चलता है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर का बोलते हैं कि जब हम गलत सिद्धांतों का खंडन करते हैं, ये समाज में जो भूल धारणा है उसका खंडन करते हैं, तो जो परम सत्य है ज़्यादा उभर के आता है। अगर हम केवल भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे, भगवान ने वृंदावन में क्या किया उसकी चर्चा करेंगे, तो लोग इतना नहीं समझ पाएंगे कृष्ण कौन है, भक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन जो समाज में जो भूल धारणाएँ हैं
उसका हम खंडन करेंगे, सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में बताएंगे, तो परम सत्य क्या है वो बाहर आएगा। अच्छा ये है परम सत्य, मैं तो ये समझता था, मैं तो समझता था ये समाज सेवा ही भक्ति है, मैं सोचता था कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छा जॉब करके भक्त बनना वही अच्छा है। तो हमारे अंदर इतनी सारी भूल धारणाएँ होती हैं। जैसे प्रभुपाद संसार शब्द का परिभाषा देते हैं, ओशन ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस। संसार मतलब क्या है, भूल धारणाओं का समुद्र। तो सब क्या है, भूल धारणाओं के समुद्र में है। तो जब भूल धारणाओं का खंडन करेंगे तो परम सत्य क्या है वो प्रकाशित हो, है ना। फिर वो क्या बताते थे कि बेटर टू डिसमेंटल टेम्पल एंड प्रिंट बुक्स, मंदिर को तोड़ दो और मंदिर को तोड़ के पुस्तकों को छापो, है ना। ऐसा क्यों हुआ, उस समय ऐसा घटना हुई कि जो मंदिर बना, मंदिर बनने के पश्चात जो वहाँ रहने वाले भक्त थे वो आपस में, ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है। तो उन्होंने देखा कि जब कम लोग थे और ऐसा भव्य नहीं था तो सब आराम से रह रहे थे, भजन कर रहे थे। जैसे प्रॉपर्टी आई, वैसे पैसा आया, तो उससे क्या हो गया, वो जो अटेंशन डाइवर्ट हो गया। इसीलिए क्या करो, मंदिर को तोड़ो, उसकी ईंट निकाल के बेच के पुस्तक छाप, पुस्तक लोगों को दो, क्योंकि पुस्तकें हैं तो हमेशा वो जो ज्ञान है हमेशा रहेगा, है ना। फिर ये थोड़ा सा समझना इसको थोड़ा कठिन है, प्रयास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा भक्ति में जब हम थोड़ा एक इस तरह के आने के पश्चात ये समझ सकते हैं। वो बताते थे कि जो बहुत ही सुपरफिशियल लोग हैं, जो बहुत ही सतही लोग हैं या बहुत ही खोखले लोग हैं, वो वृंदावन जाते हैं, हाँ। और जो एडवांस लोग हैं, जो प्रगत लोग हैं, वो कुरुक्षेत्र जाते हैं। तो अभी कैसे समझेंगे, वृंदावन तो परम धाम है, सबसे सर्वोच्च धाम है, कि जो एडवांस लोग हैं वो कुरुक्षेत्र जाते हैं और जो सुपरफिशियल लोग हैं वो वृंदावन जाते हैं। तो सब जब उन्होंने बोला तो सबसे सोचने लगे कि हमने तो पूरे जीवन वृंदावन का गुणगान हो रहा है, वही हम सुन रहे हैं, आज कुछ दूसरा जानने को मिला, है ना। तो वो समझाते हैं कि वृंदावन में क्या है कि सब भगवान कृष्ण हैं, ग्वाल वाल हैं, गोपियां हैं, सब है, जो भी उनकी लीलाएं हैं अलग अलग पास टाइम्स वो चल रहे हैं, है ना, सेवाएँ चल रही हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या है, कुरुक्षेत्र में एक्चुअली दो लीलाएं होती हैं, एक तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है और एक सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो वृंदावनवासी हैं वो कुरुक्षेत्र आते हैं और द्वारिकावासी हैं वो कुरुक्षेत्र आते हैं। तो जब वृंदावनवासी कुरुक्षेत्र आते हैं और द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र आते हैं तो आपस में मिलते हैं, है ना। तो अभी जो वृंदावनवासी हैं उन्होंने तो भगवान को कैसे देखा है, एक ग्वाल की तरह देखा है, है ना, एक गांव के एक युवक की तरह देखा है। लेकिन अभी द्वारिकाधीश कैसे हैं, राजा की तरह हैं, वहाँ बहुत सारे हाथी हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे लोग गुणगान करने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आया जिसका बहुत गुणगान चल रहा है तो उससे हम एकदम पास में जाके मिल नहीं सकते, थोड़ा सा एक थोड़ा डर रहता है, है ना। तो वृंदावन में क्या है, सब लीलाएँ चल रही हैं, सब मिल रहे हैं, सेवाएँ चल रही हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या है कि जो वृंदावन के भक्त हैं वो बहुत समय के बाद भगवान कृष्ण से मिले हैं, लेकिन मिल के भी नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भगवान राजा की तरह है। तो वहाँ पर अगर जाके कोई सेवा करेगा, कुरुक्षेत्र में जाके सेवा करेगा, तो वो सेवा वृंदावन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ सेवा कहलाएगी। कहने का मतलब क्या है, जहाँ सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ सेवा करने से भगवान और प्रसन्न होते हैं, एसेंस ये है। अभी वृंदावन और कुरुक्षेत्र तो भगवान एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर समझा रहे हैं वृंदावन और कुरुक्षेत्र के माध्यम से कि जहाँ सेवा की अधिक आवश्यकता है वहाँ जाने से भगवान उतना प्रसन्न होते हैं। सेवाएं सब जगह चल रही है ना, सेवाएं चलेंगी, हम होंगे नहीं होंगे तब भी भगवान की सेवा चलती रहेंगी। लेकिन जहाँ पर आवश्यकता अधिक है वहाँ पर अगर जाकर सेवा करते हैं तो भगवान परम प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या है इस तरह से समझाते थे। तो इसके लिए चेतना क्या है,
पूरी उल्टी करनी पड़ेगी। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का योगदान क्या है, ये ऐसा योगदान है जिसमें थोड़ा माता पिता क्रोध हो जाते हैं। यंग ब्रह्मचारी, यंग सन्यासी, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पहले जनरली लोग गुरुकुल है या मॉडर्न एजुकेशन उसमें जाते थे, अधिकतर लोग गृहस्थ बनते थे और कुछ पूरे जीवन में गृहस्थ आश्रम में रहते थे, कुछ वानप्रस्थ या जाते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया कि जो यंग लोग हैं, यंगस्टर हैं, उनको प्रचार करना चालू किया, उनको तर्क से, शास्त्रों से, उनकी जो शुद्धता है उससे समझाना चालू किया। तो बहुत सारे जो नौजवान थे उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया। तो ऐसा इतिहास में बहुत कम है, और भी पहले हुआ है, लेकिन अभी रिसेंट हिस्ट्री में भक्ति सिद्धांत ठाकुर का ये विशेष योगदान है कि जो यंगस्टर है उनको भक्ति में ला के किस तरह से भगवान की सेवा में पूर्णतः वो समर्पित हो रहे हैं। मतलब ये बहुत अचंभे की बात थी उस समय, क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, अधिकतर नौजवान कहाँ जा रहे थे, इंडिपेंडेंट मूवमेंट में जा रहे थे। कुछ लोग जो बचे हुए थे वो अपने मॉडर्न एजुकेशन में जा रहे थे, ब्रिटिशर्स से प्रभावित थे। उस समय शिक्षा देना वो एक और आज हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में वही परंपरा चल रही है। इससे कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन वो थैंकलेस टास्क है ना, कि लोग उसको स्वीकार करें ना करें। और उनका क्या योगदान है, लोग भजन कहाँ करते हैं, वृंदावन जाते हैं, हिमालय जाते हैं और धाम जाते हैं। उन्होंने भजन कहाँ किया, कलकत्ता शहर के बीच में, मतलब जो सेंटर है या मंदिर है वो कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं बाहर है, किसी धाम में है जहाँ पे लोग कभी कभी आते हैं थोड़ा संबंध को शांत करने के लिए। शहर के बीचों बीच, शहर के शोर शराबे के बीच वहाँ मंदिर है, वहाँ से प्रचार चालू। उससे पहले क्या था, लोग अपना भजन करते थे, अलग अलग जगह रहते थे और थोड़ा सा प्रचार करते थे, लेकिन भौतिकतावादियों के बीच में रहकर प्रचार करना, ये जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर से चालू हुआ। और फिर इंस्टीट्यूशन, संस्था बनाना, संस्था के अपने फायदे भी हैं, संस्था के अपने नुकसान भी हैं। कभी क्या, संस्था किस लिए है, जैसे एक संस्था है तो कोई भी भक्त आते हैं तो उनको बताया जाता है एक माला कीजिए, दो माला कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर आपका दीक्षा होगा। एक इंस्टीट्यूशन है जिससे लोग उसमें रहें। तो ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन बनाना, पहले क्या होता था, जिसको जैसे हम देखते हैं मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य आठ साल की उम्र में संन्यास, शंकराचार्य 11 साल की उम्र में संन्यास। तो अभी इस तरह से माहौल नहीं रहा है ना, अभी बहुत सारी चीज़ चेंज हो चुकी। तो लोगों को सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देना है, लोगों को लेके आना है, प्रचार करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, उनसे विचार विमर्श करना है, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है ना। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है आधुनिक समय में, वो भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने चालू किया। लेकिन वो खुद बताते थे इंस्टीट्यूशन क्या है, नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक क्या है, इविल क्या बोलेंगे, आवश्यक, एक शैतान बोलते हैं वैसे, आवश्यक बुराई है, जरूरी भी है और इसके नुकसान भी है। क्यों, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन में शिक्षाएं नहीं होंगी तो जो उच्च पद पे होंगे वो दूसरों का शोषण करेंगे, या अपनी प्रेस्टीज को, अपनी पोस्ट को बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ पॉलिटिक्स करेंगे अंदर अंदर कि वो इंस्टीट्यूशन बना था भक्ति के बढ़ने के लिए, अभी किसमें चेंज हो गया, खुद की प्रेस्टीज को बनाए रखने के। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या है, नेसेसरी इविल, इसीलिए क्या है, इसमें बताया कि उसकी वो बाहरी आवरण है, इंस्टीट्यूशन बाहरी आवरण है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भक्त, कोई आचार्य, वो कैसे कैसे हम समझेंगे, उनकी शिक्षाओं, उनको सुनकर। फिर उनकी शिक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण था कि कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, लेकिन सारे भक्त बहुत समर्पित थे, बहुत ही डेडिकेटेड। उस समय ऐसा था जो गृहस्थ भक्त थे वो सुबह मंदिर, शाम को मंदिर, रात में सोने के लिए जा रहे हैं, और अपनी जॉब, दिन में जॉब है या अपना बिजनेस है,
है ना, कि सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो अटेंड किया, अपने जो भी जॉब है बिजनेस उसके लिए गए, और शाम को आए कुछ प्रचार है या जो प्रचार है उनको सहयोग कर लो, है ना। तो कहने का मतलब कोई किसी भी आश्रम में हो, ग्रहेवा वनेते थाके हाँ गौरांगा बोले ढक, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, क्योंकि भक्ति भगवान तो ये नहीं देखते कि इस आश्रम में इस आश्रम में, जो अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है और समर्पण है भगवान उसको, ऐसा भी हो सकता है जो ब्रह्मचारी आश्रम में हो सकता समर्पित ना हो, कोई गृहस्थ आश्रम में वो बहुत समर्पित हो सकता है, तो आश्रम पे भक्ति डिपेंड नहीं करती। तो ऐसे बहुत सारे उनके गृहस्थ शिष्य बहुत ही समर्पित, बहुत ही डेडिकेटेड, है ना। एक प्रोफेसर थे, अपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उनको वो था माइग्रेन, सिर दर्द होता था बहुत। तो वो जब अपने कॉलेज से आते थे, कॉलेज से लेक्चर्स वगैरह लेके आते थे, तो रात में वो लिखते थे, जो वहाँ की मैगजीन थी उसके लिए आर्टिकल लिखते थे। तो उनको माइग्रेन था, माइग्रेन रात में बहुत बढ़ जाता था, और उसमें बल्ब थे टेबल लैंप, तो टेबल लैंप में लिखते थे, तो और तेज़ माइग्रेन हो जाता था। तो बोलते थे मैं देखता हूँ कि माइग्रेन कैसे मुझे भगवान की सेवा करने से रोकता है, और करते रहते थे। तो ऐसे कई गृहस्थ भक्त थे जिनका स्तर ब्रह्मचारी और सन्यासी जैसा था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। थोड़ा सा एक दो विषय हम ले लेंगे कि जब हम भक्ति करते हैं, है ना, या दूसरों को प्रचार करते हैं, तो हमारे क्या होता है, जब शुरुआत में कोई भक्ति में आते हैं तो हम क्या बताते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, है ना, सुसुखम करतुम अभ्यम, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जब कुछ समय बीतता है तो क्या हलचल चालू हो जाती है, अगर हम अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, इवन घर में हो जाएगा, पड़ोसियों से हो जाएगा, बहुत दूसरे रिश्तेदारों से हो जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि भक्ति क्या है, जैसे गुलाब के गद्दे पे सोने जैसा, जैसे गुलाब के गद्दे पे सोते हैं वैसा भक्ति है। लेकिन भक्ति वास्तव में क्या है, जैसे कांटों पे चलना है वैसा भक्ति है। तो ये वार्निंग है, चेतावनी है कि जो भी भक्ति में आना चाहते हैं तो ये होगा, सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा आध्यात्मिक स्तर का, जिसकी कोई गणना नहीं है, वो मटेरियल हैप्पीनेस नहीं, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों को सहन भी करना होगा, हर जगह, बिजनेस में, जॉब में, सब जगह ये सहन करना पड़ेगा। तो वो जो सहन करने के लिए तैयार है वो फिर उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो बताते हैं कि जो आचार्य हैं, भक्त हैं, वो क्या करते हैं, रास्ते के जो कांटे हैं उसको अपने हाथ से निकालते हैं, कि जिससे आगे पीछे आने वाले लोग हैं उनको रास्ता साफ मिल जाए। और उन कांटों के पीछे बहुत सारे सांप छिपे होते हैं, बहुत सारे बिच्छू होते हैं। जब हम निकालते हैं जो रोड़े हैं वो, उसको निकालते हैं, तो बहुत सारे एनवियस लोग होते हैं, बहुत सारे द्वेषी लोग होते हैं, है ना, जो हमें, जो भी यहाँ हम बैठे हैं, जो भी गंभीरता से भक्ति कर रहा है, कुछ ना कुछ घर में कोई ना कोई समस्या, ऑफिस में जो भी है समस्या होगी, तो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा होगा, है ना। तो उससे क्या होता है कि दो तरह के हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक सॉल्यूशन क्या होता है, इतनी सब झंझट में क्या पड़ना, है ना, अपना शांति से करो, जितना होता है उतना कर लेंगे, इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, एक ऐसे होते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होता है, हम भक्तों के बीच में ना रह के निर्जन भजन करेंगे, अपनी भक्ति से मतलब है, क्योंकि हम साथ में सेवा करते हैं या कुछ करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो या तो हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं या अकेले करते हैं, क्योंकि साथ में आएंगे तो समस्या है और सीरियसली करेंगे तो समस्या है, है ना। तो इसीलिए तैयार रहना होगा, ये सबके जीवन में आया है, है ना। प्रहलाद महाराज बताते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि एक बच्चा, पिता, जो पिता होते हैं, अगर बच्चे की एक आंख नहीं है तो उसको भी पद्म लोचन बोलते हैं, है ना। अगर वो
देखने में सुंदर नहीं है तो उसको भी अपनी आँखों का तारा बोलते हैं। लेकिन और ऐसा बच्चा 5 साल का जिसने अपने पिता के प्रति कोई विद्रोह नहीं किया, या मतलब पिता से कुछ विद्रोह नहीं था, लेकिन उन्होंने एक समस्या कर दी, क्या? सत्य का प्रचार करना चालू कर दिया। और जैसे सत्य का प्रचार करना चालू कर दिया तो सतयुग में जहाँ पे धर्म के चारों स्तंभ हैं वहाँ पे भी सत्य का प्रचार करने वालों को इतनी प्रताड़ना दी गई, इतनी प्रताड़ना दी गई, तो कलयुग में हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जहाँ पर धर्म के तीनों स्तंभ टूट चुके हैं, एक हिल रहा है और अधिकतर लोग ऐसे हैं, तो सभी रामानुजाचार्य हैं, जब उन्होंने भक्ति का प्रचार करना चालू किया तो वहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग थे, स्मार्त ब्राह्मण, उन्होंने चरणामृत में जहर मिला दिया कि वो आएंगे, पिएंगे और मृत्यु हो जाएगी। महाप्रसाद के अंदर जहर मिला दिया तो कुछ लोगों ने आगाह किया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम भक्ति के रास्ते में बढ़ेंगे तो तैयार रहिए, समस्या आएंगी, लेकिन हमें अगर आध्यात्मिक सुख मिल रहा है तो वो समस्याएँ समस्याएँ नहीं लगेंगी, वो चला जाएगा। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो एटलीस्ट कुछ जो हमने आज चर्चा किया, कुछ शिक्षाएं हम याद करें, उस पर अमल करें, तो ये उत्सव मनाना क्या है, उसकी सार्थकता है ना। जैसे जन्माष्टमी है, उसकी सार्थकता क्या है? जब भगवान की शिक्षाओं का पालन करें। बाकी उत्सव में कीर्तन है, प्रसाद है, वो भी है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षाओं को, कुछ हम शिक्षाओं को ले जाएँ और उसमें अमल करना प्रारंभ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।